गिरिडीह जिले के कुलहरिया गांव में कोल समाज का जिला कार्यालय निर्माण में हुई रुकावट। क्या है मामला, कुलहरिया के ग्रामीणों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम विजय कोलुआ और मैं माथाडी कुलहरिया का रहने वाला हूँ। तो अभी जो ये जमीन विवादित हो रही है, जो बोला जा रहा है कि ये जमीन विवादित जमीन है, तो मैंने किस प्रकार का विवादित जमीन है? मैंने विवादित जमीन तो बोला जा रहा है, मैंने किसमें विवादित विवाद है? नहीं, ये कोई विवादित जमीन नहीं है, बल्कि हमारे समाज के ही, हमारे गांव का ही मदनपुर जो अभी नहीं है वर्तमान में, वो काफ़ी समय हो गया होंगे उनका देहांत होने में। तो उन्होंने दान लिए थे तो जिला कार्यालय बनाने के लिए। मैंने जिला कार्यालय मैंने आपका किसके लिए, कोल समाज के लिए? हमारे कोल समाज के लिए जिला कार्यालय बनाने के लिए दिए गए थे दान में। तो जब ये लोग नींव डाला था आज से 20 से 25 साल पहले, उसके बाद जो है डंपक्रूज करके छोड़ दिया गया था। आज होने जा रहा है 20 से 25 साल करीब, तो आज तक कोई हमारे नेता केंद्र कमेटी का ना जिला कमेटी का नेता बना पाए ना बना रहे। तो हम लोग को बहुत तरह से दिक्कत हो रहा है गांव में, हम लोग का बच्चा भी अनशिक्षित हो रहे हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जिला कार्यालय बनाएंगे तो उसमें से हम लोग को बहुत तरह का फायदा भी होगा, हमारे समाज का भी फायदा होगा, बाहर से जो आदमी आएंगे वो भी लाभ उठाएंगे, और हम लोग का मोहल्ला का जितना भी है बच्चे लोग वो भी स्कूलों के लिए भी निःशुल्क स्कूल खोला जाएगा, ट्यूशन पढ़ावा जाएगा, है ना। उसमें से बहुत तरह का हम लोग मतलब ये सोचे हैं और सबके लिए भलाई के लिए सोचे हैं। तो हम लोग जब ये कार्य शुरू करने गए हैं तो उसमें से हम लोग को केंद्र कमेटी और जिला कमेटी का लोग जो है सो हम लोग को मना किए। मैंने जिला कमेटी किन का मना? भारत प्राचीन कोल जाति कल्याण समिति का जो भी है नेता जी जी गण लोग जी, तो उन्हीं लोगों ने हम लोग को मना किए। उन लोगों ने आपको ये कार्यालय बनाने से रोका? हाँ, एकदम वो कार्यालय बनाने से रोका वही लोग, हमारे समाज के ही नेता, कुछ सारे नेता लोग जो है रोके। तो इसमें कभी आप लोग को ऐसा बोला गया, मैंने बैठक गाँव में कभी बोला जैसे रोका है तो आपको फोन किया होगा या कुछ तो किया होगा, कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया होगा आप लोग? नहीं, ऐसा कोई सूचना नहीं दिया है। हम लोग जब 20-25 साल होने हो गया था नहीं बन रहा था, तो हम लोग एक गांव में बैठा करके एक निर्णय लिए, उस निर्णय में हम लोग पारित किए कि ये समाज का जिला कार्यालय है तो बनना चाहिए। तो जिला कमेटी से आप बना रहे हैं, उन लोगों ने नींव डाला था, तो उन लोगों ने नींव डाला था तो उनको तो सूचना आपको देना चाहिए था, किन्हीं को सूचना दिए थे क्या उन लोगों? जी जी, हम मतलब केंद्र कमेटी का नेता को भी बोले थे और वो हमारे बात को भी सुने थे और वो बोले भी थे, मैंने आप किसी प्रकार सूचना दिए हुए थे, एकदम दिए थे, मैंने सूचित किए थे कि हम कार्यालय बना रहे हैं। तो उस समय वो लोग क्या बोले? उन लोगों ने भी हमको बोला गया था कि किसी भी हाल में बनाइए, लेकिन मतलब मैंने उन लोगों को सहमति जताई थी। लेकिन आने का समय में उन लोग थोड़ा बदल गए, और कोई कारण होगा उसमें जो हम नहीं बता सकते हैं, या हमने मतलब ये हमको उसकी समझ से बाहर है, आप नहीं बता सकते हैं कि क्यों मतलब बदल गए, है ना। तो हम लोग किसी भी हाल में बनाएंगे, इसमें चाहे जो भी अड़चन आए केंद्र कमेटी का हो या जिला कमेटी का लोग है, तो हम लोग समाज का ही हित का काम कर रहे हैं और समाज के भला के ही काम कर रहे हैं। तो उसमें जो भी हम लोग को आपत्ति आएगा वो सहने के लिए तैयार हैं और बनाएंगे जिला कमेटी, जिला कार्यालय तो बनाएंगे किसी भी कीमत पर बनाएंगे। तो इसमें ग्रामीणों की सहमति है या नहीं? हमारे पूरा कोल माता जी का कुलहरिया का फुल सहयोग है, हमारे ग्राम कुलहरिया का जितना ग्राम वासियों हैं उन्हीं लोगों का उसे भी बनने जा रहा है, उन लोगों को सहमति से बनाया जा रहा है। तो इसमें किसी का अपने सहयोग जैसे केंद्र कमेटी की तरफ से कोई सहयोग आप लोग को बनाने के लिए? कोई सहयोग नहीं दिया गया। मैंने आप लोग खुद मिल करके ग्रामीण लोग नाम हमारा बजरंगी कुल है, हम माथाडी कुलहरिया का रहने वाला है और यहाँ का सदस्य भी है कुल समाज जी का। तो हमारा कहना है कि हम लोग यहाँ का आज से नहीं 20 साल से ये काम जो रुकल था, और हम लोग अगर कर रहे हैं काम तो हम लोग किसी से दबा या ऐसा नहीं, आगे वाला जितना भी है नेता गण को सभी को पूछ के काम कर रहे हैं। जी, पूछे हुए उन लोग? हाँ जी जी, जब पूछे हुए हैं तो उन लोग बोला कि आप जो ऐसा कर रहे हैं तो आप लिखित क्यों नहीं दिए, अगर हम लोग ऐसा अगर उतना पढ़ा लिखा रहते तो ऐसा गलती नहीं करते। जी, और हम लोग
सभी लोग को पूछे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग को पगड़ी बचाने का काम कर रहे हैं जो आप लोग। अच्छा, इसमें एक बताइए कि इसमें मतलब ग्रामीण लोग मिल के आप लोग कर रहे हैं या फिर किसी से आप लोग मैंने जैसे चंदा वगैरह है तो ग्रामीण लोग चंदा वगैरह लेके कर रहे हैं, ग्रामीण लोग मिल के कर रहे हैं सब? जी ग्रामीण हम लोग जितना गांव का है, जी जी विजय जी हम लोग का यहाँ प्रमुख है और भी है, तो सब लड़का अलग हम लोग 100 रुपया 200 रुपया घर गाँव से सब लोग चंदा करके कर रहे हैं। जी जी, तब जब चंदा करके कर रहे हैं तो हम लोग देखे कि थोड़ा पैसा जब हुआ जी, तब कोई लोग अपना सुमित बनाए विजय जी की भी हम बोले कि विजय जी जब ऐसा ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग तो बढ़ चढ़ के काम करेंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो कोई 5,000 देने के लिए तैयार है, हम भी सोचते थे कम से कम हम भी उससे भी बढ़ के कुछ दें। हाँ बिल्कुल, तो बढ़ के दे तो हम लोग का काम होगा कि नहीं। आज यहाँ आके मान के चलिए बड़े हम लोग से जो नेता है वो आके नहीं, तो वो लोग का कहना है कि नहीं ये जमीन अभी विवादित है, विवादित जमीन है, झगड़ा उगड़ा चला था, ऐसा कुछ झगड़ा उगड़ा है कि जमीन को लेकर? नहीं, झगड़ा इसमें कुछ नहीं था, लेकिन ये लोग झगड़ा अपने आप से कर दिया। मतलब ये लोग बनाया गया, मुद्दा बनाया है झगड़ा? मुद्दा बनाया गया। अच्छा, झगड़ा ऐसा कुछ नहीं है? कुछ नहीं। अच्छा। हम लोग का अगर नहीं तो फिर रुका कैसे फिर ये आप लोग काम, जैसे उन लोग बोल रहे हैं कि विवादित जगह है, रुका ऐसे? मान के चलिए यहाँ जब हम लोग शुरुआत जब हम लोग काम किए तो जिस टाइम हम लोग काम किए आज ने कम से कम 15 दिन पहले जब हो गया, तो जो केंद्र कमेटी का यहाँ के भी आदमी था उन लोग की कम से कम ये चीज करना चाहिए, रोक देना चाहिए उसी टाइम, लेकिन जब नहीं हुआ नहीं रोका, तो पीछे आके यहाँ के हम लोग का अर्जुन जी है ये केंद्र कमेटी और भी सभी लोग को जो बोला तो वो लोग ही ऐसा दबाव डाला है जो हम लोग का काम के चलते ये लोग रोक कर दिया। अच्छा, ऐसा तो नहीं है ना जैसे कि कोई निजी पर्पस के लिए आप लोग बना रहे हो अपने लिए फायदा के लिए बना रहे हो? नहीं, तो इसलिए ऐसा मतलब शायद रोका जा रहा है उन लोग? नहीं नहीं, निजी प्रमोशन के लिए कुछ नहीं, हम लोग का बाल बच्चा मान के चलिए अभी जो है कोरोना के चलते कोई कहीं बच्चा पढ़ नहीं जा रहा जी, तो यहाँ का सभी लोग ईंटा पत्थर काम करने वाला है। बच्चा अगर सोच रहे हैं कि अगर बच्चा नहीं कहीं अगर स्कूल में पढ़ रहा है तो यहाँ अगर पढ़ने के लिए जाएगा, हम लोग सोचे कि एक टीचर अगर आ जाए तो हम लोग के लिए मैंने उसमें बच्चों लोग के लिए जैसे कि अगर कार्यालय जैसा का बन जाता तो पढ़ने उड़ने का सुविधा जिसको हो जाएगा, सुविधा हो जाएगा जी, जी। उसमें किसको किसी का क्या आपत्ति, हम लोग तो खराब काम नहीं किए। हाँ, और मान कर चलिए कोई भी अगर समाज के आगे अगर जो बोल रहा है अभी आता है तो हम लोग यहाँ वहाँ जा बैठाते, अगर घर बन जाएगा तो उस जगह पर उसको बैठा सकते हैं कि नहीं? आपका क्या नाम होगा? शंकर जी, यही है जमीन पर। तो आप मैंने जमीन आपका है, मैंने आपके पिताजी का ना किनका है? पिताजी के थे जमीन, वही दान दिए हुए थे, दिए हैं। तो आपका क्या कहना है, जो ये जमीन है लोग बोल रहे हैं कि विवादित जमीन है, तो क्या विवादित जमीन है? आप मैंने क्या आप ऑफिस लेके मैंने कार्यालय बनाने के लिए दान दिए थे क्या? कार्यालय बनाने के लिए दान दिए थे मैंने, बहुत बच्चे थे उसमें। अच्छा अच्छा, ये पूरा कुल समाज के लिए आप दिए हैं कार्यालय बनाने के लिए, समाज का उत्थान के लिए बढ़ाने के लिए? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। तो आपका कहना आपका क्या राय है, मतलब क्या ये जमीन आप रोक रहे हैं ना, कौन रोक रहा है? हम नहीं रोक रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि कार्यालय बनाने के लिए ये कर रहे हैं। तो कौन रोक रहा है अभी इसी जमीन? अभी अर्जुन कोल बोला था, बोलने काम बंद कीजिए। अच्छा अच्छा, अर्जुन कोल जी यहीं गाँव के ही कोई हैं? अच्छा अच्छा, वो बोले कि नहीं। और दूसरा भी आता है नेता लोग, वो सब नेता लोग, नेता लोग भी रोकते हैं, नेता लोग भी रोकते हैं तो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आपकी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि नहीं? मेरे तरफ से कोई ऑब्जेक्शन इसमें नहीं है, मेरा तो हम तो सोचते कि बनना चाहिए, ये कार्यालय है सब संविधान के लिए, ये काम कर ले हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जमीन का जो क्या नाम बताइए अपना? शंकर कोल हैं ये, और इनका कोई विवाद नहीं है, जमीन को ये दान दिए हैं, स्वतः इच्छुक भी हैं और कोई ऐसा विवाद नहीं है, ये भी ये कह रहे हैं। वो बड़े लोग कुछ नेता लोग आकर के इनको रोकने का प्रयास कर रहा है, एक अच्छा समाज का काम कर रहे हैं लेकिन ये लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं, यही आप कहना चाह रहे हैं? चलिए, और किसी लोग से पूछते हैं जरा सर। चलिए, एक आप बोलेंगे, बोलिए क्या नाम होगा आपका? अच्छा, आप कहाँ यहीं के रहने वाले हैं? माथाडीह कुलरिया के रहने वाले हैं। कार्यालय के लिए दिया गया था आपको कुल समाज के लिए, तो ये विवादित जमीन बताया जा रहा है क्या? ये विवाद बना रहा है लोग आप लोग मैंने, तो कैसे मैंने ये पैसा कहीं से आप लोग कैसे मैंने कार्यालय बना रहे हैं? आप लोग अपने तरफ से बना रहे हैं या कोई मदद कर रहा है आप लोगों को? हम लोग समाज वाला ही बना रहे हैं, अपने गांव से ही, गांव लोग ग्रामीण लोग मिलके आप लोग बना रहे हैं, पूरा ग्रामीण लोग जो है गाँव से। जी जी, चलिए थोड़ा सा महिलाओं लोग से पूछ लेते हैं, क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, तो जैसे देखा जा रहा है अभी सब लोग गांव लोग बोल रहे हैं कि और नेता लोग बोल रहे हैं कि ये जमीन जो है आपका विवादित जमीन है, क्या विवादित जमीन है? मैंने झगड़ा उगड़ा हो रहा है इसमें क्या जमीन में? विवादित जमीन तो नहीं है, दिया था काम। अच्छा, मैं
समाज की कमेटी बनाने के लिए, कार्यालय बनाने के लिए। नेता लोग रोक रहे हैं इसको। अच्छा, बनाने नहीं दे रहे आप लोग। तो क्या तकलीफ है उन लोगों को इससे? क्या तकलीफ है पता नहीं, वही लोग बता सकते हैं क्या तकलीफ है। आप लोग रोक रहे हैं ना, तो इसमें जो दान, इसमें जो कार्यालय बन रहे हैं, कार्यालय जो बन रही है, तो इसमें आप लोग मैंने किसी से मदद है या आप लोग खुद से अपना? हम लोग खुद से बना रहे हैं, गाँव का ग्रामीण जितना हम लोग हैं ना, हम लोग खुद से बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सारी लोग महिलाएं हैं, बेटी भी है, सब लोग दिया जा रहा है, नेता लोग जो है। अच्छा, अर्जुन कौन है, दिया जा रहा है दबाव, दिया जा रहा है आप लोग। क्या नाम होगा आपका? सबिया देवी। सबिया देवी, अच्छा अभी बताइए आप कि अभी क्या मतलब जमीन जो है उसमें जो कार्यालय बन रही है आपको समाज के लिए, तो इसमें आपको क्या कहना है? मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि विवादित जमीन है, तो क्या विवादित जमीन है? झगड़ा उगड़ा हो रहा है जमीन को लेकर के? कोई झगड़ा तगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, दुश्मनी से ऐसा कर रहा है, अर्जुन कॉल कर रहा है और अर्जुन कॉल ऐसा कर रहा है कि इन लोग को नहीं बनाने देंगे, नहीं रहने देंगे यहाँ पर। तो आप यहाँ का आदमी नहीं है और हम लोग यहाँ का है। अच्छा, आप लोग यहीं ग्रामीण के हैं? हाँ, हम लोग यहाँ ग्रामीण का है और यहाँ का आदमी नहीं हुआ है, तो वो बोल रहा है कि हम बनाएंगे, हम इन लोग को नहीं बनाने देंगे और हम बनाएंगे। अच्छा, अरे यहाँ इन लोग बसेगा मेरा को सामने में, तो इसको रहने नहीं रहने देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने ऐसा बोल रहे हैं, दुश्मनी कर रहा है हम लोग साथ में, हम लोग बाल बच्चा कमाता है हजरी मजरी में और जमा करके अथी करके और हम लोग उठा रहे हैं, मजदूरी करके। आप लोग मजदूरी करके आप कार्यालय बना रहे हैं समाज के लिए, समाज को बढ़ाने के लिए कार्यालय बना रहे हैं आप लोग? सबके लिए कर रहे हैं, बाल बच्चा इतना बढ़ रहा है, बाहर पौना आएगा तो कहाँ उन लोग को रहे? बिल्कुल, मैंने समाज का जैसे कोई मेहमान वगैरह आएंगे गेस्ट, तो उसको भी आप रख सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग कहाँ रहते, समाज के लिए भी पढ़ाएंगे तो कहाँ पर पढ़ाएंगे? पढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, छोटा मोटा है घर, यहाँ नहीं होगा तो वहाँ पर पढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो जब करके रखेंगे तभी। बिल्कुल।